हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। थ्री इजी स्टेप्स जो आपको इंश्योर करेंगे कि आपको ब्रेस्ट में से दूध रिलीज कैसे करना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हैंड एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हर नई माँ को पता होना चाहिए। तो हैंड एक्सप्रेशन में कई बार मदर्स कंप्लेन करती है कि मेरी उंगलियों में बहुत दर्द होता है, मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है, मैं तो दबा दबा के एग्जॉस्ट हो गई हूँ, उससे बेटर है कि मैं ब्रेस्ट पंप खरीद लूँ। बट फिर ब्रेस्ट पंप खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद जवाब आता है, मैं तो पिछले 1.5 महीने से ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रही हूँ बट सडनली मेरा मिल्क फ्लो कम हो गया है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए सल्यूशन क्या है? हैंड एक्सप्रेशन या ब्रेस्ट में से हाथ से दूध रिलीज करना, सबसे पहला पॉइंट जानेंगे कि ये आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हैंड एक्सप्रेशन हर प्रेग्नेंट लेडी को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड एक्सप्रेशन हर नई माँ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड एक्सप्रेशन हर उस माँ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको अपना मिल्क फ्लो बढ़ाना है। एंड लास्ट ट्रिक, हर उस माँ के लिए जिसको मिल्क फ्लो शुरू करना है, हैंड एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बट अगर ये सही तरीके से सीखा जाए तो ये आपको एग्जॉस्ट नहीं करता है। सेकेंड थिंग, हैंड एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आप लोग कैसे और कब यूज़ करोगे? अगर आपका मिल्क फ्लो कम है तो फिर आपको हैंड एक्सप्रेशन हर बार ब्रेस्ट फीड होने के बाद करीब 5 to 10 minutes के लिए यूज़ करना है, और ब्रेस्ट फीड होने से पहले करीब 5 minutes के लिए यूज़ करना है। इससे आपका ब्रेस्ट स्टिम्युलेट होने में हेल्प होगा। अगर आपका ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा एंगोज है, कड़क है, टाइट है, तो फिर आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से पहले हैंड एक्सप्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को मिल्क फ्लो ही नहीं है तो फिर आपको रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग, जो टेक्निक है मिल्क फ्लो रिलीज करने के लिए, जिसका वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, उस मसाज के साथ फिर आपको हैंड एक्सप्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद कितना दिन लगता है, जेन्युइनली स्पीकिंग कोई भी रिजल्ट आने के लिए अगर आप लोग कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो यूजुअली वी से 15 to 20 days में आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है। क्या हम लोग सिर्फ ब्रेस्ट पंप पे रिलाय हो सकते हैं? ब्रेस्ट पंप ये ट्रेंडिंग है और वो मशीन है। मशीन में 2 disadvantages है, एक तो आपके इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, टच इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरा हम लोग ब्रेस्ट पंप लगा के देखते रहते हैं कितना दूध निकला, और कहीं ना कहीं उसको फॉर्मूला से कंपेयर करने लग जाते हैं। और बहुत सारे मदर्स का कहना है कि ब्रेस्ट पंप यूज़ करने से कुछ दिनों के बाद मिल्क फ्लो कम होने लग गया। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेस्ट पंप अगर आप लोग एज ए हेल्प यूज़ भी करते हो फिर भी वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जहाँ पे हैंड एक्सप्रेशन आपके लिए परमानेंट सोल्यूशन बन सकता है आपको एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर बनाने के लिए, इसलिए हैंड एक्सप्रेशन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 3 steps आपको आपका हैंड एक्सप्रेशन अगर ईजी करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट स्टेप इज हॉट फर्मेंटेशन, सेकेंड स्टेप इज मसाज, एंड थर्ड स्टेप इज एक्चुअल एक्सप्रेस करके दूध निकालना। तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तीनों स्टेप के 4-5 तरीके बताऊंगी, आपको यूज करके देखना है आपको क्या फिजिबल है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आपको कौन सा चीज़ रिजल्ट देता है। हर इंसान अलग है, हर लेडी का ब्रेस्ट अलग अलग है। हैंड एक्सप्रेशन के लिए आपको 2-3 चीज़ें लगती है। एक तो नाखून कटे हुए होने चाहिए और क्लीन हाथ धुले हुए होने चाहिए। दूसरा चीज़ जो आपको लगेगा इस क्लीन्ड ब्रेस्ट, अगर आपने ब्रेस्ट के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की है, दवाई घी, तो वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपको लगेगा इस चम्मच, ये एब्सोल्युटली क्लीन चम्मच है, वो आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चौथा एंड द लास्ट चीज़ जो आपको लगेगा इस गर्म पानी। ये चीज़ें अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आपका हैंड एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट टेक्निक, हॉट फर्मेंटेशन। ब्रेस्ट को गर्म से थोड़ा सा सेक देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है अगर आपको मिल्क रिलीज ईजी करना है। और हैंड एक्सप्रेस करते वक्त बहुत दर्द नहीं होना चाहिए तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको हॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हॉट कैसे करोगे, उसके 2-3 तरीके। एक तरीका है कि आप लोग सिंक पर जाओ और फिर गर्म पानी डालो,
और फिर सेकेंड एंड थर्ड स्टेप फॉलो करो। दूसरा ट्रिक है कि आप लोग गर्म पानी लो, कोई भी रुमाल की पतली पट्टी बना दो, उसको गर्म पानी में डिप करो निचोड़ के, फिर उस पट्टी को आप लोग ब्रेस्ट के ऊपर रख दो कुछ देर के लिए। दो या तीन पट्टियाँ आप लोगों ने कर दी, ब्रेस्ट थोड़ा सा वार्म हो गया, फिर सेकेंड और थर्ड स्टेप। थर्ड वे, हाथ को गर्म पानी में डिप करो और हाथ के टिप से जेंटल मसाज करो और फिर उसको वार्म करने की कोशिश करो। वापस हाथ गर्म पानी में डिप, वापस उसको वार्म करने की कोशिश। फोर्थ, डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक सेक करने के लिए कुछ भी, बट यस उसके साथ आप लोग गर्म पानी की थैली यूज़ कर सकते हो या हॉट पैक अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और आप लोग हॉट पैक की जगह घर पे होममेड पैक भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सॉक्स ले लो, ये इंटरनेशनल टेक्निक है बट बहुत हेल्प किया है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को। सॉक्स ले लो, उसमें करीब आधा किलो रॉ राइस डाल दो, उसको गांठ बांध दो, आपका ब्रेस्ट पैक तैयार हो गया। उसको ओवन में डालो, 30-40 सेकंड्स के लिए उसको गर्म करो, चेक कर लेना एक बार कितना गर्म हुआ है, फिर उससे ब्रेस्ट के ऊपर थोड़ा सा सेक दो। ब्रेस्ट जब भी वार्म हो जाता है तो मिल्क रिलीज बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड स्टेप इज मसाज। मसाज आपको एंगॉजमेंट, लंप फॉर्मेशन, मिल्क रिलीज और हैंड एक्सप्रेशन, ये चारों चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। मसाज करने के कई सारे तरीके हैं, वन ऑफ द तरीका इज लूजनिंग और द ओपनिंग अप ऑफ ब्रेस्ट। सो आप बेसिकली ब्रेस्ट को लेते हो एंड जस्ट शेक 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 जेंटल प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, करीब 8-10 बार एंड देन अप एंड डाउन, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, इसे ब्रेस्ट स्टिम्युलेट होगा। नेक्स्ट टेक्निक इज नकल मसाज। सो नकल से यू डू अ सर्क्यूलर मसाज। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट को स्टिम्युलेट करने के लिए। अगर किसी को लंप लग रहा है या गांठ लग रही है तो प्लीज़ घर पर रेमेडीज मत शुरू करो, एक बार डॉक्टर को दिखा दो। कुछ गांठें ऐसी होती है जिसको ट्रीटमेंट लगती है या निकालना पड़ता है, जैसे गांठ के आसपास सूजन आ गई है, वो एरिया सर रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। अगर डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, जनरल दूध का गांठ है, तो आप लोग नकल्स को यूज़ करके रोटेशन में निप्पल की तरफ मसाज कर सकते हो। श्रेया, क्या है पेनफुल प्रोसेस है? यस, थोड़ा सा पेन करता है बट जब खुद करोगे तभी बहुत ज़्यादा नहीं दुखेगा, कोई और करेगा तो बहुत ज़्यादा दुखेगा। हॉट फर्मेंटेशन के बाद करोगे तो रिलीज होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। सो आप प्रॉपरली नकल से उसका मसाज कर सकते हो। थर्ड मसाज, जिन्हें कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, इट्स अ टिप मसाज, अ जेंटल प्रेशर के साथ टैपिंग, ये बहुत अच्छे से ओपन कर देता है ब्रेस्ट को और ब्रेस्ट में से जो हैंड एक्सप्रेशन से दूध रिलीज करना है वो भी प्रोसेस आसान कर देता है। फिंगर टैपिंग, नकल्स एंड शेक। फिर और एक टेक्निक जो कल्चरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि ऊपर से मसाज करते हो नीचे आते हैं, आइडियली उस चीज़ को अवॉइड करना है। आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है, तो आप लोग जितना ऊपर से मसाज करते हो उतना वहाँ का जो ड्रेनेज फ्लूइड है वो भी ब्रेस्ट में आ जाता है एंड इट्स वेरी वेरी पेनफुल। दूसरा एक चीज़ जो आपको अवॉइड करना है हैंड एक्सप्रेशन करते हो कि स्लाइडिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं निप्पल की तरफ बिकॉज उनको लगता है कि मैं ऐसे करूँगी तो निप्पल से दूध बाहर निकलेगा। जेन्युइनली आप लोगों को ये चीज़ अवॉइड करना है बिकॉज अगर ऐसे प्रेशर के साथ स्लाइड करोगे तो ये पूरा चीज़ दुखेगा, उंगलियों में भी दर्द होगा और ब्रेस्ट सैग भी हो जाएगा। सो कैसे करना हैंड एक्सप्रेशन? सो स्टेप हॉट फर्मेंटेशन, दूसरा स्टेप मसाज और तीसरा स्टेप एक्चुअल एक्सप्रेस कैसे करना है। सो एक हाथ ब्रेस्ट के ऊपर, दूसरे हाथ में क्लीन चम्मच, निप्पल के एकदम पास में पकड़ के प्रेस नहीं करना है, कुछ नहीं निकलेगा। ब्राउन एरिया को टाइटली पकड़ के प्रेस करोगे तो भी कुछ नहीं निकलेगा और ब्रेस्ट को एक्चुअल जहाँ पे हम लोग को स्टिम्युलेट करना है वो होगा ही नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, निप्पल से पीछे जाओ कुछ सेंटीमीटर पीछे, ब्राउन एरिया है उससे कुछ सेंटीमीटर पीछे। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं निप्पल का ब्राउन एरिया जहाँ पे ख़त्म होता है बस उससे थोड़ा सा ऊपर, आप सी शेप में पकड़ते हो, आप इस उंगली के टिप्स और अंगूठे के टिप्स को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो एंड यू पुट अ जेंटल प्रेशर। चम्मच को एग्जैक्टली निप्पल के नीचे पकड़ना एंड जस्ट प्रेस। याद रखो आपको ये अवॉइड करना है, फिसलना है, जस्ट फर्म प्रेशर।
जब भी आपको लगे भी यहां से नहीं निकलता है, चेंज। सो पूरा ब्रेस्ट कवर कर लो, जितना दूध निकल रहा है उतना निकाल दो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही इनिशियल डेज में हूँ, दूध निकल रहा था बट वापस बंद हो गया, वापस क्या करोगे? थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन, मतलब गर्म से सेको, फिर थोड़ा सा मसाज और वापस हैंड एक्सप्रेस कर दो, तो दूध निकल आएगा। ये टेक्निक उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे सेपरेटेड है, आपको बच्चों के लिए दूध भेजना है, तो ये टेक्निक बहुत हेल्प करता है। सो यू जस्ट प्रेस एंड टेक इट आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। श्रेयस, दूध का करना क्या है? अगर आप लोग डायरेक्टली बच्चे को पिलाते हो तो डायरेक्टली पिला दो, अगर नहीं पिला रहे हो तो बच्चे को फीड करने के जो सीरिंज आता है उस सीरिंज में उस दूध को निकाल दो और फिर उसको पैक करके फिर आप लोग उसको स्टोर कर सकते हो। ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कैसे करना है उसके रिलेटेड वीडियो में यहाँ पर लिंक करी हूँ, तो आप लोग उसमें स्टोर कर सकते हो। कटोरी में श्रेय, हम लोग चम्मच के बदले अगर कटोरी पकड़े तो सी प्रॉब्लम क्या है, आपको जो इनिशियल दूध होता है वो बहुत थिक होता है। अगर आप लोग कटोरी पकड़ोगे तो बहुत सारा दूध कटोरी की साइड में ही लग जाएगा और फिर अगर आप लोग को सीरिंज से खींचना भी है तो नीचे से कितना दूध खींचोगे। सो अगर आपको कटोरी में निकालना भी है तो ट्राई करो कि चम्मच में निकालो और फिर कटोरी के डायरेक्ट बॉटम में डाल दो, ताकि साइड में दूध लग के बहुत सारा दूध वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पर्सनली चम्मच पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप किसी फैमिली मेम्बर का हेल्प ले सकते हो जो चम्मच पकड़ सकता है, बट याद रखो चम्मच इतना दूर नहीं पकड़ना है, बिकॉज दूध यूजुअली यहाँ से ड्रिप होके फिर यहाँ से ड्रिप होके नीचे चला जाए। तो निप्पल के एग्जैक्टली नीचे पकड़ो एंड देन प्रेस। इसमें टच इन्वॉल्व है, इमोशन इन्वॉल्व है एंड हैंड एक्सप्रेशन। ये इतना बेस्ट टेक्निक है जो आपका मिल्क फ्लो बहुत जल्दी और फास्ट बढ़ाता है। यस, द वे आई टोल्ड यू, ब्रेस्ट पंप इज अ टूल जिसको आप लोग हैंड एक्सप्रेशन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो आपका मिल्क फ्लो बढ़ाने के लिए। सो ये हो गए 3 ईजी स्टेप्स जिससे आप लोग हैंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क ईजी कर सकते हो। एंड यस, फॉलो दिस 3 स्टेप्स टू इंश्योर कि आपका एंगॉजमेंट कम हो जाए, मिल्क फ्लो सेट हो जाए, आपके ब्रेस्ट जो कड़क है वो सॉफ्ट हो जाए, आपका मिल्क रिलीज हो जाए, आपको अगर बच्चे के लिए दूध एक्सप्रेस करके भेजना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई एम श्रेया शाह, आई एम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट बेस्ड इन पुणे एरिया। अगर आपको मुझसे बात करनी है या कुछ कंसल्टेशन चाहिए, विजिटर्स ऑन www.mayadhuja.com। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।